राजस्व प्रकरणों के निराकरण में जिले में कौन अधिकारी अव्वल है, इसकी सूची अब जारी होने लगी है। देखा जाए तो वरिष्ठ अधिकारियों में कलेक्टर मनीष सिंह 80% मामलों का निराकरण कर टॉप पर बने हुए हैं, तो वहीं तहसीलदार स्तर के अधिकारियों में नायाब तहसीलदार बेटमा 96% तक प्रकरणों का निराकरण कर टॉप पर बने हुए हैं। देखें ये खास रिपोर्ट। देखा जाए तो पिछले 3 माह में इंदौर जिले में लंबित प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत 46 से बढ़कर 76 पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि राजस्व अधिकारियों की कोरोना काल में ड्यूटी लगी थी, जिससे लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ती जा रही थी। नवंबर माह में कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा शुरू किए गए अभियान के बाद लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी आई। अपर कलेक्टर पवन जैन ने कहा कि पिछले 3 माह में लंबित प्रकरणों का निराकरण 46.39 से बढ़कर 76.7% पर पहुंच गया है। 15 नवंबर को इंदौर जिले में पंजीकृत प्रकरणों की संख्या 31,115 थी, जिसमें से 14,434 प्रकरणों का निराकरण हुआ था। यह संख्या बढ़कर 15 फरवरी तक 52,105 पर पहुंच गई। इनमें से अब तक 39,971 का निराकरण हो चुका है। जहां तक राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति है, हम लोग जब कलेक्टर साहब के निर्देशन में काम हुआ था शुरू, तो 11 नवंबर माने 15 नवंबर के आसपास हम लोगों ने 15 तारीख को काम शुरू किया था नवंबर में। उसके पहले हम लोग सब कोविड में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जैसे ही कोविड की सेवाओं से फ्री हुए, तो कलेक्टर साहब ने एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें 15 नवंबर से सभी रेवेन्यू ऑफिसर्स को इस बात के लिए ताकीद किया गया कि वो अनिवार्य रूप से राजस्व के अपने मूल काम को करेंगे। और उसके तहत 15 नवंबर से जब 15 नवंबर की तारीख में हम लोगों के पास जो आंकड़ा था, वो पूरे ज़िले में 31,115 केस सभी राजस्व न्यायालयों में, नायब तहसीलदार से लेकर के माननीय कलेक्टर साहब की कोर्ट तक लंबित थे पूरे राजस्व न्यायालय में। और उन 31,115 प्रकरणों के दर्ज होने के साथ में 14,434 केसों का हम लोगों ने उस समय तक निराकरण किया था। ये आंकड़ा 15 नवंबर 2020 की स्थिति का है, और ये जो परसेंटेज है वो 46% था निराकरण का। लेकिन अभियान के बाद आप देखेंगे कि हम लोगों ने जो पिछले नवंबर से लेकर के आज 12 फरवरी तक की स्थिति में 52,105 केस रजिस्टर्ड किए हैं आज की तारीख में, और 52,105 केस रजिस्टर्ड के अगेंस्ट में 39,971 केसेस का डिस्पोजल किया है, निराकरण किया है, जो कि 76.71% है। तो 46% से लेकर के 76% तक का हम लोगों ने निराकरण किया है। इन 2 महीनों में राजस्व अभियान के रूप में ही काम संभव हुआ है। अपर कलेक्टर पवन जैन ने कहा कि कलेक्टर साहब ने तहसीलदारों व नायाब तहसीलदारों को प्रोटोकॉल की ड्यूटी से मुक्त अपनी कोर्ट में बैठने के साथ प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए थे। देखा जाए तो प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत यहां भी बढ़ा है। देखिए, तहसीलदारों को साहब ने बाकी जो प्रोटोकॉल की ड्यूटीज थी और दूसरे अन्य कार्य थे, उनसे कलेक्टर साहब ने तहसीलदारों को मुक्त किया है, तहसीलदारों नायब तहसीलदारों को, और उनसे अपेक्षा की गई है कि वो अनिवार्य रूप से अपनी कोर्ट में बैठें और अपनी कोर्ट में बैठने के साथ अपने प्रकरणों का निराकरण करें। तो तहसीलदारों की यदि हम आंकड़ों की बात करें, तो तहसीलदारों की 27 न्यायालय हमारे यहाँ ज़िले में हैं, नायब तहसीलदार और तहसीलदारों को मिला करके, जिनमें 12 फरवरी में जो प्रकरणों का निराकरण हुआ है वो हुआ है 32,849 केसेस का डिस्पोजल किया है, जो कि 78.45% है। और यदि हम 15 नवंबर की स्थिति की बात करें, तो 15 नवंबर में जो प्रकरणों का निराकरण किया है वो 12,904 केसेस का निराकरण किया है, जो कि 51% है। इस तरह से 51% का निराकरण हम लोगों ने 15 नवंबर में किया था, और आज 12 फरवरी के निराकरण की बात करें तो 78% पे हम लोग पहुँचे हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी संतुष्टिपूर्ण आंकड़ा है। निश्चित रूप से कलेक्टर साहब का ये मानना है कि किसी भी हालत में 6 महीने से अधिक कोई भी पुराने केस लंबित ना रहें, और साथ ही जो वर्तमान में केस लंबित हैं पुराने वाले, उनका प्राथमिकता पर निराकरण किया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो केसेस का निराकरण हो रहा है उनका अमल राजस्व रिकॉर्ड में करने के भी निर्देश साहब ने दिए। देखा जाए तो अधिकारियों के परफॉर्मेंस की यह सूची कलेक्टर साहब ने अधिकारियों के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट की है, ताकि जिन्हें सुधार की जरूरत है वह सुधार सके। MP News के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।